ओरेसुकी एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हम लाइब्रेरी के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर की पहले से ज्यादा लोग आने लगे थे। ये लाइब्रेरी अब स्टूडेंट की स्पेशल जगह बन चुका है। अब ये शायद पक्का बंद नहीं होगा, और ये सब कुछ हाजुकी और उसके दोस्तों के वजह से हो पाया। उन सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर जोरो भूख रखते हुए ये भी बोलता है, हाजुकी एकदम शानदार है ना? संचैन हाँ बोलता है और बोलता है उसके वजह से ही तो ये जगह भर रहा है। वही पर हम हाजुकी को देख पाते है जो की सुमिरे से बात कर रहा था, और वो सुमिरे से बोलता है, सुमिरे तुम्हारे पास और कोई आइडिया है जिससे कि इस लाइब्रेरी में और भी ज्यादा लोग आ पाए? वही पर उन दोनों को ऐसा बात करते हुए देखकर चेरी और सुकीमिची वहाँ पर आकर बोलते हैं, तुम दोनों तो बहुत ज्यादा क्लोज लग रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक अच्छे कपल बनोगे। जो सुनकर हाजुकी शर्मा जाता है और बोलता है, तुम दोनों ऐसी बातें मत करो। और ये सब कुछ देख कर जोरो अपने मन में बोलता है, मैं सुमिरे की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन चेरी और सुकीमिची कुछ भी गलत नहीं कर रहे है, आखिरकार अब मैं करूँ तो करूँ क्या? वही पर चेरी और सुकीमिची सुमिरे को बोलते है, क्यों ना अगले हफ्ते तुम और हाजुकी डेट पर जाओ। ये सब कुछ सुनकर तो सुमिरे बहुत ज्यादा घबरा रही होती है, लेकिन तभी उनके बीच में संचैन आ जाता है और वो सुमिरे से बोलता है, सुमिरे इस बुक को मैं कहाँ पर रखूँ, आओ मेरी मदद करो। जिस वजह से सुमिरे खुश हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। ये देख कर जोरो को भी राहत मिलता है और वो बोलता है, अब तो मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। अब अगले सीन में हम जोरो को देख पाते है जो की अपनी सारे बातें टेम्पोपो को बता देता है, और हाजुकी का नाम सुनकर तो टेम्पोपो एकदम दंग रह जाती है और बोलती है, आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो? जोरो बोलता है, तुम थोड़ी देर शांत हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम तोसुबो हाई स्कूल में जाना चाहती थी और सुमिरे का एक बॉयफ्रेंड भी बना देना चाहती थी, और तुम तोसुबो हाई स्कूल में इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि तुम हाजुकी से प्यार करते हो, और ये सब कुछ शुरुआत पिछले साल बेसबॉल टूर्नामेंट के वक्त है ना? टेम्पोपो तो गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उस दिन हाजुकी सुमिरे से मिलना चाहता था और मैंने उसी सिचुएशन का फायदा उठाया। और उसकी ये सब बातें सुनकर जोरो अपने मन में बोलता है, ये लड़की तो एक नंबर की झूठी है, उसने तो मुझे पिछले वक्त भी झूठी बोला था। वही पर सुमिरे बोलती है, मैंने हाजुकी को पटाने की बहुत ज्यादा कोशिश किया, लेकिन वो नहीं पटा, यहाँ तक कि मैं सुमिरे जैसे दिखने की बहुत ज्यादा कोशिश भी करी, मैंने सुमिरे जैसे दिखने वाले बहुत सारे क्लिप्स भी खरीदे। जोरो अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम जल्दी से सुमिरे को डेट के लिए पूछो। जोरो बोलता है, शांत हो जाओ, शायद तुम्हें लाइब्रेरी में आना चाहिए और कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। सुमिरे बोलती है, मैं बेसबॉल टीम की मैनेजर हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा जोरो। अब अगले सीन में हम हाजुकी को देख पाते है जो की लाइब्रेरी में काम करता हुआ काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, आज लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जोरो उससे बोलता है, हाजुकी अगर सुमिरे का कोई बॉयफ्रेंड होगा तो तुम क्या करोगे? जो सुनकर हाजुकी बोलता है, मैं थोड़ा दुखी तो हूँगा, लेकिन मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, लेकिन आखिरकार तुमने एक यू पूछा। फिर जोरो सुमिरे से बोलता है, सुमिरे मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जो सुनकर सुमिरे बोलती है, ये तो अच्छी टाइमिंग है, क्योंकि मैं भी तुमको कुछ बताना चाहती थी। जोरो तो ये सुनकर शॉक हो जाता है, तभी सुमिरे खड़ी होकर बोलती है, मैंने और संचैन ने एक डेट करने का एग्रीमेंट साइन किया है। और ये सुनने के बाद तो वही पर हाजुकी तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। सुमिरे बोलती है, कुछ समय पहले ही संचैन ने मुझे डेट के लिए पूछा था। वही पास्ट में संचैन सुमिरे से बोलता है, अगर इस साल निशिकी जूता हाई स्कूल बेसबॉल टूर्नामेंट में जीत गया तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। वही पर सुमिरे बोलती है, और फिर मैं मान गई। ये सुनकर तो हाजुकी का होश उड़ जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर सुमिरे को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वही पर जोरो तो अभी भी एकदम हैंग में होता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद सुमिरे जोरो को बोलती है, मैं किसी ऐसे के लिए तो अपना टाइम जाया नहीं कर सकती जो कि मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देता हो। और जोरो मैं चाहती हूँ कि कुछ समय के लिए तुम लाइब्रेरी से दूर रहो, क्योंकि तुम बस यहाँ पर मुसीबतें खड़े करते हो, तुम्हारे वजह से इस लाइब्रेरी को कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। ये सुनने के बाद तो जोरो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। वही पर कॉस्मोस और हिमावारी बोलती है, सुमिरे तुम ये कैसी मीन बातें कर रहे हो, जोरो ने इस लाइब्रेरी के लिए बहुत कुछ किया है। सुमिरे बोलती है, हाँ उसने मदद तो किया है, लेकिन उससे ज्यादा उसने घर पर ज्यादा किया है, और ऐसे किसी को यहाँ पर रखना मुसीबत के अलावा और कुछ नहीं है। सुमिरे ये सब कुछ बोलना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी जानबूझकर कुछ न कुछ बोल देती है। ये सुनने के बाद तो जोरो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और बोलता है, ठीक है मैं और अब यहाँ पर नहीं आऊंगा, और फिर वहाँ से जाने लगता है। अब अगले सीन में हम जोरो को क्लास में देख पाते हैं और उसने मैसेज करके संचैन को बुलाया होता है, और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर संचैन भी पहुँच जाता है। संचैन बोलता है, जोरो आखिरकार क्या हुआ है, तुम इतना ज्यादा दुखी क्यों हो, क्या तुमने सुमिरे से वो बात सुन लिया? जोरो तो चौंक जाता है। संचैन बोलता है, तुमने मुझको यहाँ पर बुलाया ताकि तुम मेरे मुँह से सुन सको कि सुमिरे मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है ना? जोरो हाँ बोलता है, लेकिन अचानक से वो खुश होकर बोलता है, तुमने ये सब कुछ इसलिए करा ताकि तुम सिचुएशन को हैंडल कर पाओ है ना संचैन? जो सुनकर तो संचैन हंसने लगता है और बोलता है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो है ना, जब भी तुम कोई मुसीबत में होते हो तब मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन लगता है इस बार हमारा रोल उल्टा है। जोरो तो ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वही पर संचैन बोलता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं सुमिरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। जोरो बोलता है, मतलब कि संचैन तुम इतने समय से बस एक्टिंग कर रहे थे? संचैन बोलता है, मैं हाजुकी का एहसान मंद हूँ,
उसके वजह से लाइब्रेरी भी बच गया और सुमेरे भी मेरी हो गई। खैर मुझे अभी भी तुम पर यकीन है जोरो, मैंने जो किया जो मुझे करना चाहिए था और तुम्हें भी अब वही करना पड़ेगा जो कि तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो जोरो। और इसके बाद संचन वहां से चला जाता है। वहीं पर दुखी होकर जोरो हाँ बोलता है और क्लास के साइड में हम युकी को देख पाते हैं जो कि छुपकर उन सभी के बातें सुन रही थी। देन अगले सीन में जोरो युकी के रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर कॉस्मोस, हिमावारी, आसुनारो और मायोमी और उसके सभी दोस्त भी आते हैं। वहीं पर जोरो उन लोगों का खाना सर्व करते हुए बोलता है, उस दिन के बाद से एक हफ्ते बीत चुके हैं और अभी तक मैं उस लाइब्रेरी में और नहीं गया, लेकिन अभी भी जैसा चल रहा है वैसा ही अच्छा है, क्योंकि अभी भी मेरे पास मेरी बचपन की दोस्त हिमावारी, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कॉस्मोस और मेरे अच्छे अच्छे क्लासमेट्स मायोमी और आसुनारो मेरे पास है। और फिर वो लोग लाइब्रेरी के बारे में बात करने लग जाते हैं, लेकिन तभी हिमावारी बोलती है, जोरो हमें तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम्हारे बिना सुमेरे। लेकिन तभी जोरो बोलता है, उसको और मेरी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसको वो मिल गया जो कि उसके लिए भरोसेमंद हो। अब अगले सीन में उनका काम खत्म हो जाता है और फिर युकी जोरो से पूछती है, क्या तुम और लाइब्रेरी में नहीं जाओगे? जो सुनकर तो जोरो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर देता है। फिर युकी बोलती है, जोरो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जोरो मेरी बात अच्छी तरीके से सुनो, क्योंकि तुम ही हो ओ जो कि सुमेरे को, हाजुकी और उसके दोस्तों से बचा पाओगे। जोरो बोलता है, मेरी और कोई जरूरत नहीं है क्योंकि संचन ने उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। युकी बोलती है, तुम्हें क्या लगता है हाजुकी इतने आसानी से हार मान जाएगा उसके पाने के लिए जिसके पास एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है? इसलिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि तुम ही कुछ कर सकते हो। जोरो तो शॉक हो जाता है और बोलता है, आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ? युकी बोलती है, तुम्हें अच्छी तरीके से सोचना पड़ेगा आखिरकार संचन ने तुमसे क्या कहा था। तभी जोरो संचन के बात को याद करने लग जाता है, जहाँ पर संचन उससे बोलता है, मुझे जो करना चाहिए था मैंने वो करा, अब तुम्हें जो करना चाहिए तुम्हें वो करना पड़ेगा। और फिर वो याद करने के बाद तो जोरो शॉक हो जाता है और बोलता है, मतलब कि वो एग्रीमेंट बस एक नाटक था, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कर सकता क्योंकि सुमेरे ने मुझको लाइब्रेरी से दूर रहने के लिए बोला है। लेकिन तभी वो रियलाइज कर पाता है कि सुमेरे ने तो बस उसको कुछ समय के लिए लाइब्रेरी से दूर रहने के लिए बोला है, ना कि हमेशा के लिए। ये देखकर युकी बोलती है, फाइनली तुमको एहसास हो ही गया। तब जोरो को और एक पास्ट के बाद याद आता है, जहाँ पर सुमेरे ने उसको बोला था कि तुम अपने तरीके से करना और मैं अपने तरीके से करूंगी। और फिर युकी बोलती है, तो फिर जोरो अब तुम क्या करोगे? जोरो बोलता है, अब तो मैं सुमेरे को मदद करने चाहूंगा। नेक्स्ट सीन में उनका काम खत्म हो जाता है। जोरो रात में सोच रहा होता है कि आखिरकार वो अब सुमेरे का मदद कैसे करेगा। तभी वहाँ पर मायोमी आ जाती है, जो देखकर जोरो पूछता है, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मायोमी तो बहुत ही शर्मा कर बोलती है, तुम आजकल अजीब बर्ताव कर रहे हो, अगर तुमको कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो क्योंकि मैं भी तुम्हारा थोड़ा साथ तो दे सकती हूँ। और फिर ओ जोरो को एक जूस ऑफर करती है, जो देखकर तो जोरो खुश हो जाता है। फिर ओ मायोमी से बोलने लगता है, आजकल मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मायोमी तो खुश हो जाती है और बोलती है, बस इतनी सी बात, तुम्हारे लाइफ में जो कुछ भी हो तुम्हें हमेशा अपने आप से ऑनेस्ट रहना चाहिए। जो सुनकर तो जोरो खुश हो जाता है और उसको थैंक यू बोलता है। इस वजह से मायोमी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है, मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए नहीं आई थी। ये बोलने के बाद तो वहाँ से शर्म के मारे भाग जाती है। और फिर दूसरी तरफ मायोमी अकेले बोलती है, मैं एक पागल हूँ। और दूर से उसके दोस्त बोलते हैं कि हाँ तुम जोरो के प्यार में पागल हो चुके हो। अब अगले दिन जोरो संचन को अपने पास बुलाता है। संचन बोलता है, हम लोग टूर्नामेंट को जीतने के लिए बहुत ज्यादा पास है। जोरो बोलता है, सुनकर अच्छा लगा। फिर वो संचन से माफी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना क्योंकि इस साल मैं तुम्हें फाइनल्स के लिए चीयर करने के लिए नहीं आ सकता क्योंकि इससे भी ज्यादा मेरा कुछ जरूरी काम आ गया है। संचन बोलता है, क्या वो काम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जोरो बोलता है कि हाँ मुझे माफ कर देना। संचन बोलता है, अरे कोई बात नहीं, हमें तो बस टूर्नामेंट को जीतना है। इसके बाद हम फिर से लाइब्रेरी में कॉस्मोस को देख पाते हैं, जो कि हाजुकी और उसके दोस्तों से बोल रही होती है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम्हारा मोटिव पूरा होने के बाद भी तुम लोग लाइब्रेरी में आ रहे हो। और तभी सुमेरे वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हाजुकी उसको पीछे से रोकते हुए बोलता है, सुमेरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो और मैं तुम्हें डेट करूँ। सुमेरे बोलती है, लेकिन मेरा और संचन का? हाजुकी बोलती है, मुझे पता है, लेकिन वो तब होगा जब वो बेसबॉल टूर्नामेंट जीतेगा और अगर वो नहीं जीता तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में भी सोचो। और जवाब में सुमेरे कुछ बोलने वाली ही होती है, लेकिन तभी जोरो लाइब्रेरी में एंटर करता है। सुमेरे बोलती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हें कुछ समय के लिए दूर रहने के लिए बोली थी। जोरो बोलता है, मैं तो दूर रहा कुछ समय के लिए, है ना? ये सुनकर सुमेरे शर्मा जाती है और बोलती है, तो तुम्हें रियलाइज हो ही गया? जोरो हंसकर बोलता है, तुमने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, तुम तो एक बच्ची जैसी हो जो कि आसानी से अकेली हो जाती हो। ये सुनकर सुमेरे स्माइल देती है। तभी हाजुकी बीच में बोलता है, जोरो आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? बाय द वे तुम्हें बहुत दिनों के बाद देखा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जोरो बोलता है, हाजुकी मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। हाजुकी बोलता है, अभी नहीं क्योंकि मैं सुमेरे के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ। तभी सुमेरे बोलती है, लेकिन मैं जोरो की बात सुनना चाहती हूँ। जोरो बोलता है, तुमने सुना ना कि सुमेरे ने अभी क्या बोला, और हम दोनों तो दोस्त भी है ना? और इसमें जोरो
बोलता है, इस चैलेंज में एक छोटा सा सजा भी होगा। जो सुनकर हाजुकी बोलता है, तुमने मुझे एक दोस्त की तौर पर बोला तो मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद जोरो बोलता है, इस चैलेंज में जो भी हारेगा उसको सुमिरे से दूर रहना पड़ेगा, वो भी हमेशा के लिए, और वो सुमिरे से बात भी नहीं कर सकता। जो सुनकर तो हाजुकी को झटका लगता है और बोलता है, रुको जरा, मुझे नहीं पता था कि इस चैलेंज के अंदर सुमिरे भी इन्वॉल्व है। जोरो डरावना चेहरा बनाकर बोलता है, लेकिन तुमने तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, है ना। हाजुकी बोलता है, जोरो आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि हम दोनों तो दोस्त थे, इसलिए इस चैलेंज को बंद करो और यहाँ पर ही रोक दो। जोरो तो और भी ज्यादा जोश में आ जाता है और बोलता है, मैं इस चैलेंज को बंद नहीं कर सकता क्योंकि मैं सुमिरे को तुम्हें नहीं ले जाने दे सकता। ये सुनकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, वही पर सुमिरे तो ये सुनकर शर्माने लगती है। जिसके बाद हाजुकी भी बोलता है, ठीक है, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर जोरो इस गेम का रूल्स बताने लगता है। वो बोलता है, मेरे पास कुछ क्लिप्स है और एक क्लिप मैं हर एक बंदे को दूंगा जो कि मुझे और तुम में से किसी को भी दे सकता है। वो उसके मुताबिक होगा कि वो सुमिरे को किसके साथ देखना चाहता है, और अंत में सबसे ज्यादा जिसके पास क्लिप होगा वो जीत जाएगा और ये चैलेंज बेसबॉल टूर्नामेंट तक चलेगा। चेरी और सुकीमिची तो गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं, ये तो एक नंबर का बेकार चैलेंज है क्योंकि इसमें तो हाजुकी का जीतना कोई भी चांस ही नहीं है। हाजुकी बोलता है, तुम दोनों टेंशन मत करो क्योंकि मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा। और फिर जोरो अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खतरनाक रिएक्शन देता है और बोलता है, और अब तो जीत सिर्फ मेरी ही है, और अगर मैं जीत जाऊंगा तो मुझे हाजुकी के लिए बुरा लगेगा। और फिर जोरो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है, कॉस्मोस सीमाबारी आसनारो जल्दी से क्लिप मुझे दे दो। लेकिन अचानक से हम देखते हैं वो सभी तो हाजुकी को क्लिप दे देते हैं, जो देखकर तो चेरी और सुकीमिची तो शॉक्ड हो जाते हैं। वही पर जोरो को तो मानो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। सुमिरे तो और भी ज्यादा कन्फ्यूज हो जाती है और बोलती है, आखिरकार एक खेल चल रहा है। जिसके बाद कॉस्मोस बोलती है, चेरी तुमने मुझसे बोला था कि दोस्त को प्यार के लिए छोड़ना मुश्किल है, लेकिन मुझे दोनों ही चाहिए। सुमिरे मेरी दोस्त तो है लेकिन वो मेरी राइवल भी है। सुमिरे ये सुनकर चौंक जाती है और फिर आसुनारो हिमावारी कॉस्मोस जोरो के पास चले जाते हैं। जोरो तो उन तीनों को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी कॉस्मोस बोलती है, जोरो मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ। हिमावारी बोलती है, आई लव यू जोरो। वहीं पर आसुनारो बोलती है, जोरो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। वहीं पर सुनने के बाद तो जोरो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, अब मैं क्या करूं। सुमिरे सब कुछ देखकर हंसती है और बोलती है, तुम तीनों मेरे राइवल हो। फिर जोरो गुस्सा हो जाता है और वो हाजुकी को बोलता है, हाजुकी अब से तुम मेरे दोस्त नहीं हो और इस चैलेंज को मैं ही जीतने वाला हूँ। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 12 और सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका कोई सीजन 2 तो नहीं है, लेकिन इसका एक मूवी है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उस मूवी को भी एपिसोड की तरह एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में लिख देना, जितना ज्यादा कमेंट होगा तो मैं जल्दी उस मूवी को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।